नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप खिलाल है फ्रॉम anoopkhilal.com। मैं एक रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट हूँ। बरेली, हल्द्वानी और नोएडा के कुछ सेलेक्टिव प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ। आज मैं एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। यह अपडेट बरेली विकास प्राधिकरण का ब्रह्मपुत्र इनक्लेव, जो कि रामगंगा परियोजना में सिचुएटेड है सेक्टर 1 में, उसके बारे में है। 15 अक्टूबर लास्ट डेट थी ब्रह्मपुत्र इनक्लेव में अप्लाई करने के लिए। उन सभी की लिस्ट बरेली विकास प्राधिकरण ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि bdinfo.org में अपलोड कर दी गई है। साथ साथ एक और सूचना भी डाली गई है कि उसकी लॉटरी कब निकलेगी, उसकी लॉटरी के बारे में भी हम बात करेंगे, उसके समय के बारे में बात करेंगे और स्थान के बारे में हम बात करेंगे। इन सब के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलूँगा। लैपटॉप स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और साथ साथ लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पर जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये बरेली विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट है, bdinfo.org। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अपडेट है बरेली विकास प्राधिकरण का रामगंगा परियोजना के बारे में, वो अपडेट मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट या अपडेट कर दी गई हैं। जिन जिन लोगों ने ब्रह्मपुत्र एनक्लेव में अपने फॉर्म्स भरे हैं, अप्लाई किया है प्लॉट्स के लिए, वो लिस्ट यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। और एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि लॉटरी कब निकलेगी। लॉटरी की जो डेट है वो भी 26/10/2021 का डिसाइड किया गया है। ये यहाँ पर आप लेफ्ट में देख सकते हैं कि प्रेस नोट है जो ऑलरेडी अखबारों में आ चुका होगा, 26 अक्टूबर के बारे में बताया गया है। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। ये लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट आप यहाँ पर राइट क्लिक करके आप नए विंडो में आप आएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लिस्ट दिख रही है आपको पूरी, ये लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट है ब्रह्मपुत्र इनक्लेव के लिए। ये पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, आप भी वेबसाइट ओपन करके इसको देख सकते हैं, अपने अपने नाम देख सकते हैं। यह 316 लोगों ने यहां पर अप्लाई किया हुआ है ब्रह्मपुत्र इनक्लेव जो सेक्टर 1 में, उसके लिए। अब हम देखते हैं कि 26/10 के बारे में जो प्रेस रिलीज आई वो क्या है, मैं एक बार पढ़ के भी आपको समझाऊंगा। ये सार्वजनिक सूचना है, ये बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा रामगंगा नगर आवासीय योजना में सेक्टर 1 में ब्रह्मपुत्र एनक्लेव में गेटेड सोसाइटी के में विभिन्न क्षेत्रफल के भूखंडों हेतु पंजीकरण खोले गए थे। ओके, योजना के इन भूखंडों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होना था जो 21/10 को होना था। ओके, पहले 21/10 को होना था, अब वो एक्सटेंड कर दी गई किन्हीं कारणों से, कतिपय कारणों से यह लॉटरी अब 26/10/2021 को प्राधिकरण कार्यालय में संपादित की जाएगी। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जिन जिन की इसमें लिस्ट में नाम दिख रहे हैं, आप भी वहां पर उपस्थित रहना चाहते हैं तो वो इच्छुक, कहा गया है कि इच्छुक आवेदक लॉटरी प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रह सकते हैं। ये है बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष यानी कि सर जोगिंदर सर जो हैं उनके द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, अब हम आते हैं, हाँ ये चीजें तो होगी, बाकी और भी जब जिन जिन लोगों का ब्रह्मपुत्र इनक्लेव में नहीं निकला है या चूक गए हों ब्रह्मपुत्र इनक्लेव में, तो यहाँ पर आप देखिए कुछ नाम दिए, सरस्वती, सरयू, ये अलग है, सरस्वती, सरयू, देन शिप्रा, ये भी नाम एक आया था। इन सब के भी आने वाले टाइम पे रजिस्ट्रेशन होंगे जो मैं भी समय समय पर आप लोगों को बताता रहूंगा। और अगर आप लोगों को, फिर से मैं एक बार कहूंगा, अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी हो, कुछ जानकारी आप लोगों के लिए अच्छी हो, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल ना बना रहता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी होपफुली आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं रामगंगा परियोजना के प्लॉट के अलॉटीज़ के लिए मैं होम लोन प्रोवाइड करता हूं। मेरे होम लोन प्रोसेस में, मेरे होम लोन प्रोवाइड करने में मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा।
एक बार पुनः मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा।